पर बजरंग बाण पढ़ने से कल्याण होता है, ये बात बजरंग बाण में ही तो लिखा है, तुलसीदास जी तो बोल रहे ना। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, यह बजरंग बाण जो जापे, तांसु भूत प्रेत सब कापे, निश्चय प्रेम प्रति दिते विनय करे सन्मान, तेहि के कार सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, पूर प्रतिति दृढ़ शरण है, पाठ करे धरि ध्यान, बाधा सब हर कर सक काम सब सकल हनुमान। ये तो उसी बजरंग बाण में लिखा हुआ है, अब क्या प्रमाण चाहिए तुमको? तुलसीदास जी नहीं कहे थे, जिन्होंने लिखा है उन्होंने प्रमाण भी दे दिया कि इसका फल क्या है। अब इसके लिए अलग से तुम लोगों को मैं कौन सा प्रमाण चाहिए भाई, जब उसमें जो जो स्तोत्र जब श्लोक जो भी चीज लिखे उसके प्रमाण नीचे फल भी लिख दिया होता है। ये तो तुलसीदास जी उसमें एक लाइन और बना देते, खा दो चौपाई, अब तो मैं तो नहीं बना सकता, लेकिन वो बना देते खा लाइन, तो भैया बजरंग बाण तो लिख तो दिया, पढ़ना नहीं बस इसको, ये भी लिख देते नीचे, डिस्क्लेमर लगा देते। या तो फिर तुलसीदास जी ने जिन्होंने भी ये लिखा, भाई तुलसीदास जी ने ही लिखा और किसी ने लिखा हो तो भाई उसका भी प्रमाण, कई लोगों ने वहां पर भी आक्रमण करने का प्रयत्न किया। अब तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से हमने बजरंग बाण लोगों तक बचाया, बोलिए स्वामी रूपेश्वर बता रहा है इसीलिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बजरंग बाण से नहीं है। जलन ईर्ष्या जो थी ना वो समस्या है, समस्या का कारण बजरंग बाण से नहीं थी। ये क्यों बता रहा है भाई, इसका नाम क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम। तो बजरंग बाण को हमने समाज में सारे विरोधों को झेलते हुए भी समाज के समक्ष रखा और हमने ये कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाण, भैया तुम स्वयं करो जाओ हमको मत पूछो, हमने जितना बताना था बता दिया, सारे अनुभव सीवन विधि विधान, अब लोग स्वयं पढ़ रहे। अब जो लोग मना करते थे उनके उनके वीडियो में जाके स्वयं कमेंट करने लगे, भाई हमने तो कहा नहीं कि जाके तुम कमेंट करो कि नहीं बजरंग बाण पढ़ने से लाभ होता है, बजरंग बाण पढ़ने से लाभ होता है, कल्याण होता है, सब अपना कर रहे हैं। जिनको नहीं करना है मत करो, पर जिनको जहां यहां वहां भटकना ही है, भाई जिनको भटकना है अच्छा लगता है पेशी लगाने में और दरबार में और जी उजुर करने में अच्छा लगता है, वो करो पेशी करो।